हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 12th of November 2020, नया दिन नई शुरुआत। गाइस आज का व्लॉग जो है वो मैं हाईवे से चालू कर रहा हूँ। एक्चुअली आबू से इसलिए चालू नहीं किया, रीज़न ये था कि मैं लेट हो गया था, हमारी एक 5:30 बजे की फ्लाइट है उदयपुर से। और ये जो व्लॉग है ये मोस्ट अवेटेड व्लॉग रहा है इस साल का, क्योंकि जो मैंने आपको जो बताया था कि आगे हम ट्रिप पर जा रहे हैं कहीं, वो उस ट्रिप की शुरुआत हो गई है। और अभी हम लोग यहाँ से माउंट आबू से उदयपुर जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल मैं पहुँचा हूँ पिंडवाड़ा और मास्क निकालना पड़ रहा है क्योंकि बार बार नीचे आ रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिंडवाड़ा हूँ और अभी उदयपुर से हमारा फ्लाइट है बॉम्बे का। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन है बॉम्बे, और बॉम्बे से आगे हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। 2 दिन यानी कि 13 और 14 हमारा बॉम्बे में गुजरेगा। आपको जो डिस्टर्बेंस मिलाना ये इसलिए क्योंकि सामने कोई बाइक पर आ रहा था, मेरे को उसकी शक्ल देख के ऐसा लगा कि वो मोबाइल चुराएगा, इसीलिए मैंने वो चीज़ कट कर दी क्लिप को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 2 दिन दिवाली की जो है 13 और 14 वो हम लोग गुजारेंगे बॉम्बे में। और बॉम्बे में सिर्फ हम लोग 15 तारीख को कहीं बाहर दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए इस खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बाकी बड़ा मज़ा आने वाला है। और आज हम लोग गाड़ी खुद की नहीं ले रहे, आज है गाड़ी शाश्वत भैया की, क्योंकि शाश्वत से हमने गाड़ी मांगी है, एवरेज अच्छा देती है ना, इसीलिए उस वजह से। अभी तक मैंने गाड़ी ड्राइव किया माउंट आबू से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा से गोकुंदा तक। पर अभी बात ऐसा कि एक्चुअली मेरे दादा साथ में, तो हम लोग वहाँ पिंडवाड़ा पिछले रुके थे कि दादा आ रहे थे और उन्होंने अभी बोला कि थोड़ा फ्लाइट के लिए हम लेट हो रहे हैं क्योंकि 5:40 की फ़्लाइट है जैसे बताया मैंने आपको, और अभी हमको 1 घंटे के अंदर उदयपुर पहुँचना है। वैसे तो पहुँच जाएंगे क्योंकि 96 किलोमीटर ही है पिंडवाड़ा से, इतना कोई लोड नहीं है। पर क्या है, जो रोड है ना, 4 लाइन हाईवे चुम्बन देव रोड है, यहाँ पे आराम से रणछोड़, हाँ, तो हमारे जो प्रिय रणछोड़ भैया है वो गाड़ी चला रहे, तो उन्होंने क्या डिस्क ब्रेक मार रहे गाड़ी में और मेरे को ऐसे बैठना पड़ रहा है, वो चलता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग ये रोड क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के वो कभी भी रोड क्रॉस करते हैं, कभी भी गाय वगैरह जानवर क्रॉस करते हैं, वो थोड़ा इश्यू है। तो मिलते हैं, अभी टनल आ रहा है, टनल में अरे शिट मैन, एक और टनल आएगा तब हम दिखेंगे, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था और लाइट हाँ भाया, तो टनल आ गया था तो मैं कैमरा चेंज करता वगैरह। उदयपुर एयरपोर्ट जो है वो आउटस्कर्ट्स में, काफ़ी मतलब कुछ 20-25 किलोमीटर बाहर है, मेरे को पता नहीं रफली आइडिया बता रहा हूँ 20-25 किलोमीटर। तो मैं मिलाना भूल गया आप लोगों को, ये इसको भी आना है जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खैर इसकी उम्र नहीं है पर तो भी आना इसको, तो चलेगा आ रहे तो मना नहीं करते, क्योंकि सारा बिल यही भर रहा है ना, मैं नहीं भर रहा है बिल, तो ये बिल यही भर रहा है, पैसा इसको मिला सारा। ये है दूसरी टनल, पहली टनल में मेरे साइड कैमरा फेसिंग था इसलिए मैं इसको टर्न नहीं कर पाया, पर ये है दूसरी टनल। कितना वेल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कितनी सही करी है कि दो पहाड़ के बीच में काट के टनल बनाई है, बहुत सही। और ये सच लंबी वाली टनल है, मेरे ख्याल से लंबी वाली टनल है, हाँ उसके कंपेरेटिव लंबी, वो बहुत छोटी है और ये काफ़ी लंबी है। और आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं वहाँ पर भी बहुत सारी टनल्स आने वाली है, क्योंकि हम जो रास्ता हमने लिया है जहाँ जाने का, हमारा जो डेस्टिनेशन है फाइनल डेस्टिनेशन, वहाँ पर तो ढेरों टनल है, इतने टनल ना बोर हो जाओगे सब लोग मिल के भी। और हाँ, ये गाड़ी जो है ना ये दादा की है, तो हमें इस गाड़ी के पीछे रहना है और स्पीड लिमिट में, समझे रणछोड़ भैया। हाँ, हम लोग पहुँच गए हैं उदयपुर एयरपोर्ट, बीच में आपको ज़्यादा शो नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, मैंने आपको बताया लेट हो रहे थे। और ये है उदयपुर ATC टावर जो सारे फ्लाइट्स कंट्रोल करता है, और जितने भी उदयपुर रीजन या उदयपुर ATC के रेंज में से जाते हैं, काफ़ी क्लीन है, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं था क्लीन है। बाकी अभी तो इंडिया में एयरपोर्ट सारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं और सारे एयरपोर्ट अडानी फॉर्म को जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो गाइस मास्क पहनना ज़रूरी है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। और कितने महीने हो गया, लगभग आई गेस दिसंबर 2019 में लास्ट आया था मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे। सिक्योरिटी चेक हो गया है और ये सर्टिफिकेट बोलते हैं ना जो द न्यू नॉर्मल वो है ये। और अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारा गेट चेंज हुआ, पहले गेट 3 था और अभी है गेट C, ठीक है, तो 1C, सॉरी, थैंक यू मामा, 1C।
और जो मिडिल सीट्स में बैठ रहे हैं उनको एपीपी किट पहनना ज़रूरी है। और हम मेरी सीट आ गई है मिडिल में। खैर थोड़ी कोशिश रहेगी कि जो पास वाला उसको बोलूँ कि चेंज कर दो ताकि मैं विंडो ले लूँ, तो वो भी अच्छा है। अगर वो हो जाता है तो बहुत ही अच्छा आपको मैं बाहर का व्यू दिखा पाऊँगा। और वैसे तो टाइम लैप्स ऐसी बात है ना। हाँ तो मैं टाइम लैप्स लूँगा टेक ऑफ लैंडिंग का, तो बने रहिए। तो ये क्वारंटाइन का नया जो रूल आया है कोरोना ने पीपी किट पहनने का, वो तो बहुत परेशान कर रहा। और ये फेस शील्ड पहली बात दिखता नहीं अंदर से कुछ भी। दूसरा चीज़ फॉग हो जाता है, आप जो स्मेल कर रहे हो या आप सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो ना, तो उसके कारण क्या बोलते हैं फॉग हो जाता है, ठीक है। और मास्क भी थोड़ा मेरे को मेरा ला मास्क है, मैंने इनका नहीं यूज़ किया तो वो है। और खैर गर्मी बहुत लग रही इस पीपी किट में। और तीसरा और आखिरी चीज़ बहुत समय बाद मिला के एक साल, हाँ लास्ट जब मैं बैठा था, लास्ट जब मैं आया था फ्लाइट में ट्रैवल किया था मैं, तब था जब मैं नेपाल से दिल्ली आ रहा था, काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, तब लास्ट था। उसके बाद में इट्स गुड एक साल बाद बैठ रहे और वो भी कोरोना में बैठ रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी से टाइम लैप्स आप इंजॉय करो, जब तक टेक ऑफ से लैंडिंग तक फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वेलकम टू मुंबई। जब तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल रहा तब तक निकाल दूँगा शील्ड निकाल दिए मैं गई, बहुत गर्मी लग रही शील्ड में। हाँ वो मेरे दादा थे तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, क्यों फटाफट चलते हैं और सब दोस्तों से मिलते हैं, कज़िन से मिलते हैं। अरे देखो छोटा सा नन्ना सा घेटा, हाँ हमने इसका नाम घेटा रखा है। और ये मारने वाली एक तो एक ही है ये, ठीक है। आउच लगता है रे। तो इस बॉम्बे आ गए, बड़ा मज़ा आ रहा है। और बॉम्बे आया हूँ मैं लगभग एक साल बाद, लास्ट आया था मैं दुबई से जब आया था तब। चलते हैं फटाफट बाहर और घर पहुँचते हैं, सारे कजिन्स वगैरह वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लगेज का, लगेज अभी तक आया नहीं है फिलहाल। और जब तक लगेज नहीं आता तब तक आपसे वार्तालाप नहीं कर लेते हैं। लगेज मैं हूँ अभी बॉम्बे 2 दिन के लिए, 13 और 14 जिसमें मैंने आपको पहले बताया, और 15 को हम कहीं जा रहे हैं। जो फर्स्ट स्टॉप है वो मैं आपको बताऊँगा, 14 वाले लोग बता दूँगा, चलो ठीक है। या फिर अगर आप लोग गैस कर पाओ तो गैस करो बॉम्बे से मैं कहाँ जा सकता हूँ। और आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं उसमें, हिंट ये है कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ के प्लान्स हमेशा कैंसिल होते हैं। बहुत ही सीधा हिंट दिया मैंने आपको ये, तो अगर आप लोग गैस कर पाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि हिंट से आपको क्या समझ में आई और कौन सी प्लेस समझ में आई। अभी थोड़ा मैंने आते वक्त लास्ट क्लिप में मैंने आपको मास्क और नीचे किया था, क्यों क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी, वो फेस शील्ड वगैरह था, अब वो फिर सब नहीं है तो अब डायरेक्ट बात हो रही है, तो अब माइक शायद सब पकड़ रहा होगा, नहीं होगा एडिटिंग में हम कर लेंगे कुछ तो। सर के फ़ोन आ गया था तो बीच में अटक जाता है क्लिप क्या। तो ये काम करते मैं लगेज लेता हूँ और आपको एयरपोर्ट के बाहर जाके मिलता हूँ। ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है भाई, ट्रॉलियाँ जा रही है पूरे, तो मिलते हैं लगे जाते तब। सामान ले लिया है 1 2 3 4 5 चल बैठ।
6, 7, 8 और ये हमारा गुड हमारा लगेज है भी एक तरह का ये भी, तो बस 10 सामान है टोटल, 7 है 7-8 है और हैंडबैग मिला के 12। और ये एयरपोर्ट मुंबई, एक साल बाद वापस मुंबई। तो फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आए और मुंबई में ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हाँ बाय द वे हम लोग अभी इस पवई में हैं, IIT क्रॉस कर रहे हैं और ट्रैफिक देख लो, पता नहीं मेट्रो का काम भी चल रहा है और ट्रैफिक भी है, तो क्या करें, वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे घर पहुँचने में लगेंगे 40 मिनट या 45 मिनट। और हमें लेने कौन आया था देखो, मिस्टर जुबिन शाह। क्या जुबिन अंकल, देख नहीं रहे जुबिन अंकल, लाइट ही नहीं है जुबिन अंकल, व्हाट इज दिस? अबे गधे बंद करना लो ना ये, अब लो ना, अब आए। हाय दोस्तों, इस घर पे आ गए फाइनली और ये घर बॉस का है सुमन भाई का, जो आपने मेरे मज़ेदार खाने वाले ब्लॉग में देखा था उन्हें, उनका ये घर है। तो और ये दीपू जूनियर शाह, जूनियर जय शाह। ओके तो ऐसे हम लोग आ चुके हैं ठाणे, बॉम्बे नहीं ठाणे आए और यहाँ हैं हम 2 दिन अभी। तो ऐसे थक भी गया हूँ ट्रैवलिंग करके आए, माउंट आबू से उदयपुर, उदयपुर से बॉम्बे फ्लाइट, फिर बॉम्बे का ट्रैफिक, फिर ठाणे, तो थोड़ा सा लग रहा है। तो गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय जूनियर शाह ने बोला सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ कर देना, इतने अच्छे बच्चे ने बोला है, इतने अच्छे क्यूट बच्चे ने बोला है कि सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, बड़ा मज़ा आने वाला है आगे 15 दिन का, बहुत बढ़िया ब्लॉग्स आने वाले 15। तो बस गाइस आज इसमें इतना रखते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं, आप हमेशा कर देते हो, बस कर दो, मज़ा आएगा। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय, गुड नाइट।